नहीं, क्या हुआ था? फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। अल्लाह को राजी करो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में फेंक देगा। अल्लाह को राजी करो, सिलिकॉन वैली रुलती फिरेगी यहां पे। और यह कोई मौलवी नहीं कह रहा, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, करके देख लिया है। नहीं होता जब तक अल्लाह राजी ना हो। साइंस आपकी फेवर में काम नहीं करती जब तक अल्लाह राजी ना हो। टेक्नोलॉजी आपकी फेवर में काम नहीं करती जब तक अल्लाह राजी ना हो। अल्लाह नाराज होगा तो हमने अल्लाह को इतना नाराज किया है। अल्लाह कहता है शिर्क ना करो, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान और रहीम, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, वो रहमान और रहीम है। मैं क्या कहता हूं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। और नहीं भाई, अल्लाह बचाएगा। कभी को कह देते कौन बचाएगा पाकिस्तान? फजलुर रहमान, फजलुर रहमान। कभी को कह देता है कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। बार 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 हमने उसी सुराख से बार बार डसे जाते हैं, फिर उसी तरफ जाते हैं। कभी हमें लगता है कि अगर अमेरिका हमसे राजी ना हुआ तो हमें कर्जे कहां से मिलेंगे? अब ले लो भाई, अफगानिस्तान के लिए अड्डे भी ले लो, सब कुछ ले लो, वहां हमें कर्जे दे देना। वो अल्लाह ना करे हमें नमस्ते करने पड़ गए, नऊज़ बिल्लाह, हमारा ये हाल है, हम वो भी कर लेंगे। ये तो अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है ना। वो हमें तो कश्मीर तो हमने दे दिया, दिया कि नहीं? कश्मीर उनका नहीं था। कश्मीर क्या हो गया हमें भाई? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, वो आके छीन कर लेकर गए और हमने उसके ऊपर बिल्कुल बार बार ये शेर पढ़े, फिर भी कम है। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, शर्म भी हमें नहीं आती। ये हमारे हाथों की कमाई है, अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया है, नाराज हुआ हुआ है हमसे। इसका हल क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थी। उस दौर की जो भी तीरंदाजी, जिरा होना, अच्छा घोड़ा होना, तलवार होना, और जो कैसरो किसरा थे उनके पास तो मुनज़्ज़म अफवाज थी, महलात थे, हीरो जवाहरात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? आप सल्लम और साहबा तो कपड़े भी पैमन लगे पहनते थे। तो किधर गया वो 22 लाख 26 लाख मुरब्बा मील के ऊपर सल्तनत कैसे बन गई, कैसे बनी? वो जो सल्तनत रूम जो आज यूरोप है, और सल्तनत फारस थी, उससे कर्जे लेके बनी थी? या उधर जाके साहबा को भेजा था कि वहां से अगर फॉरेन डिग्रीज हमारे पास होंगी तो यहां पे अच्छे हम तलवारें और अच्छी जिरें बनाएंगे तो फिर हम उनका मुकाबला करेंगे? ऐसे हुआ था? नहीं। क्या हुआ था? फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। अल्लाह को राजी करो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में फेंक देगा। अल्लाह को राजी करो, सिलिकॉन वैली रुलती फिरेगी यहां पे। और ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, करके देख लिया है। नहीं होता जब तक अल्लाह राजी ना हो। साइंस आपकी फेवर में काम नहीं करती जब तक अल्लाह राजी ना हो। टेक्नोलॉजी आपकी फेवर में काम नहीं करती जब तक अल्लाह राजी ना हो। अल्लाह नाराज होगा तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह नाराज होगा तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अल्लाह राजी होगा तो वो कदमों में फेंक देगा। इकबाल ने इसको बड़े अच्छे अंदाज में बताया, अपनी मिल्लत पे कयास अकवाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मटीरियल का इल्म उन्हें तरक्की देता है। अगर आप उसी रस्ते के ऊपर चलेंगे और अल्लाह को राजी नहीं करेंगे तो पस्त कर दिए जाएंगे,
खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, आपका फॉर्मूला अलग है। आपने अल्लाह को राजी करना है, फिर टेक्नोलॉजी मिलेगी, फिर साइंस आपके कदमों में फेंक देगा, अल्लाह ताला रुलती फिरेगी, फिर अल्लाह ताला आपको वो टेक्नोलॉजी और वो साइंस देगा कि फिरौन के दौर में इस कदर जादू, इस कदर टोना होता है कि वो कई साल पहले, दहाइयां या शायद सदियों पहले बता देते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस कदर उनके पास ना, यानी वो कहानत और वो जो जादूगरी इस तरह के होते हैं। तो जब वक्त आता है ना, फिर अल्लाह ताला मूसा को एक असा देता है, जमीन पर रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, 70,000 जादूगरों के सांपों को रस्सियों को निगल जाता है। फिरौन कहता है कि तुम्हारे हाथ और पांव में एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पांव कटवा दूंगा, उसके बाद तुम्हारे गर्दनें भी कला कमा कर दूंगा। लेकिन वो जादूगर कहते हैं हमने देख लिया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वो सब के सब अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाते। अल्लाह के आगे झुकोगे, अल्लाह को राजी करोगे, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी, वो मौजजात, वो मिरेकल्स, वो करामात अता फरमाएगा कि उसके आगे फिर ये क्लस्टर बॉम्ब्स, ये F-35, ये हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये इंट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम्स, ये S-22, ये कुछ भी नहीं रहेंगे। क्यों? फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, तोबा करो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। युरसिले समा अलैकुम मिदरारा, फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला खजाने खोल देगा, आसमान के भी, जमीन के भी, और वयुमदिदकुम बिअमवालिम वबनीन, फिर अल्लाह ताला तुम्हें पावरफुल आर्मी देगा, फिर तुम्हें बिअमवाल, माल का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, पैसा देगा, पैसा, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, बाग उगा देगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहां पर होंगी, आज के दौर के बगात यहां पर होंगे, तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा, और बताओ, जिससे चाहोगे पानी पियोगे, जिससे चाहोगे जरूरियात को पूरी करोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस सहाबा ने करके दिखा दिया कि सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने की नीयत से गए थे, तो जब उनका उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो जमीन में उनका घोड़ा धसा दिया गया, तो उन्होंने कहा, सुराका उस वक्त जो सुराका था, उसने कहा इस्लाम लाने से पहले कि ऐ मोहम्मद, मेरे हक में दुआ कीजिए, मैं अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जूं ही घोड़ा बाहर आया, जब आप सलम हिजरत फरमा रहे थे हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो सुराका की नीयत बदल गई, वो कहा हुआ था ना अबू जहल ने कि 100 ऊंट दूंगा, तो फिर सुराका ने हमला किया, तो फिर उससे ज्यादा घोड़ा जो है ना वो जमीन में दजा दिया गया। अब सुराका को पता चल गया कि ये कोई आम बात नहीं है, सुराका बहुत बड़ा खोजी था, उसने ऐसे पहले नहीं देखा था, तो अब वो समझ गया, उसने कहा अब मैं वाकई आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ की, वो फिर छूट गया, तो वापस जा रहा था, तो उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं अब औरों को भी इधर आने से रोकूंगा, कहूंगा इस तरफ कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से बुलाया और फरमाया कि ऐ सुराका, वो क्या वक्त होगा कि जब तुझे कैसर और किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे? तो सुराका ने कहा कि वो रोम के कैसर की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का जो हेड है उसकी बात की आपने? आप सल्लम ने फरमाया हाँ। सुराका तो देख चुका था ये कोई आम बात नहीं, अभी ईमान नहीं लाया था वो, और झूमता झूमता जा रहा है ना कि मैं एक दिन कैसर के कंगन पहनूंगा। तो वो फिर बाद में अबू जहल ने दूसरे लोगों ने पूछा, तो उनने कहा उस तरफ कोई नहीं है। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में गनीमत, माले गनीमत, मस्जिद नबी में बहुत सारा ऐसे ढेर लगा दिया गया था। तो हज़रत उमर ने बुलाया लोगों को, आए, कोई आता उसको माल देते, कोई आता माल देते, आते जा रहे हैं, तो हज़रत उमर ने यूं करके एक चीज़ उठाई है और सामने से एक सहाबी आए। अब हज़रत उमर यूं पकड़ा रहे हैं और सहाबी रोने लगे। हज़रत उमर ने देखा इनको क्या हुआ है, देखा तो कौन है? सुराका। अब वो सुराका नहीं है जो हज़रत उमर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गया था, अब वो सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। देखो सुराका, तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है?
सुराकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे सीने में एक राज था, आज तक किसी को नहीं बताया, कि जब ये सुराका वो जो खोजी होता था, वो जो सुराका पहुंच जाया करता था, वो सुराका एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह और यारे गार को पहुंच गया था जब वो हिजरत करके जा रहे थे। तो सुराका के साथ ये मामला पेश आया था और मोहम्मद अरबी हदीए बरहक उस सच्चे नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सुराका वो क्या वक्त होगा तक कि तुझे कैसर के कंगन पहनाए जाएंगे, और इधर मैं सामने आया हूं और आपके हाथ में कंगन आ गए हैं कैसर के। रूम पता हो चुका था। तो सुराका रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन सी फौज बनाई थी? फौज दे दी गई थी, इनाम कर दी गई थी, एक एक सहाबी को कई कई सौ और कई कई हजार के ऊपर अल्लाह ताला ने भारी फरमा दिया था। साइंस तो कह रही थी कि घोड़ा पानी में नहीं तैर सकता, साइंस तो कहती है कि फौज छोटी हो, 313 हो तो दूसरी तरफ हजार हो तो नहीं जीत सकती। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, कि मेरे ऊपर तवक्कल करो, मैं जरूर काफी हो जाऊंगा। घोड़ा पानी में उतार दो, दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, उतार दो घोड़े पानियों में, मैं पार करूंगा। तो हमारे सारे मसाइल का हल क्या है? रुजू इल्लाह, अल्लाह से तोबा करना।